ये देखिए दोस्तों, दीमक यानी टर्माइट ने किस तरह से दीवार के अंदर कॉलोनी बनाई हुई है। और दीमक के कॉलोनी के अंदर एक क्वीन टर्माइट होती है, एक किंग टर्माइट होता है, और उसके अलावा जो ये लंबी चोंच वाली आप देख रहे हैं, इसको सोल्जर टर्माइट बोलते हैं, जिसका काम कॉलोनी की रक्षा करना होता है। और जो आप ये गोल से मुंह के देख रहे हैं, इसको वर्कर टर्माइट बोलते हैं, जिसका काम होता है कॉलोनी के अदर्स मेंबर्स के लिए खाने का इंतज़ाम करना, छोटे बच्चों की देखभाल करना, अंडों की देखभाल करना। इनके अलावा जो तीसरी टर्माइट होती है, उसको एलिटर टर्माइट बोलते हैं, उसके पंख होते हैं, उसका काम होता है नई जगहों पर उड़ के जाना और नई कॉलोनी बसाना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग आए हैं सेक्टर 38 गुड़गांव। यहाँ पर सेकंड फ्लोर पे एक फ्लैट है, जहाँ पर आज हम टर्माइट ट्रीटमेंट करने वाले हैं। ये पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा, टर्माइट ट्रीटमेंट कैसे करना होता है और इसके लिए कौन से केमिकल बेस्ट होते हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं। ये देखिए आप, किचन के केवल पल्ले पल्ले बचे हैं, बाकी सारा किचन खत्म कर दिया है टर्माइट ने। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप, देख रहे हो आप क्या हालत करी है, दीवारों में अंदर तक घुसी पड़ी है टर्माइट। पूरा किचन तो डैमेज किया ही है टर्माइट ने, इसके साथ साथ दीवारों को भी अंदर से खोखला कर दिया है और पीओपी और फॉल सीलिंग तक को भी खा गई है। मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से, ये देखिए आप किस तरह से फॉल सीलिंग तक को भी खा गई है टर्माइट। उसके टर्माइट के रास्ते में कोई भी चीज़ आती है, उस तक को खा के निकल जाती है। दीमक यानी टर्माइट का मेन मकसद होता है घर में लगी लकड़ी को खाना, लकड़ी के अंदर जो सेलुलोज होता है उसको खाती है। देख रहे हो दोस्तों कितनी बुरी हालत करी है टर्माइट ने इस किचन की, पूरा का पूरा किचन निकाल के बाहर फेंकना पड़ा। अब टर्माइट जो है दीवारों के अंदर है, अब अगर हम इन दीवारों का ट्रीटमेंट करे बिना यहाँ पर दोबारा लकड़ी का किचन बना देंगे तो 3-4 महीने के अंदर ही उस किचन को भी ये टर्माइट बर्बाद कर देगी। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि पहले ट्रीटमेंट करें फिर नया किचन बनाएं। और ये वो किचन है जिसे निकाल के बाहर फेंकना पड़ा। ये देखिए आप, इसमें अगर आप सनमाइका को देखेंगे तो देखने बिल्कुल ठीक लगेगा किचन, लेकिन अब जब आप इसे ऊपर से देखेंगे तो ये देख रहे हो आप, अंदर तक दीमक ने इसको डैमेज कर दिया बुरी तरह से। तो इसलिए अगर आपको अपने घर में जरा से भी टर्माइट नज़र आए तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट करा देना चाहिए, वेट नहीं करनी चाहिए। देख रहे हो आप किस तरह से अंदर तक घुसी हुई है टर्माइट। अब सनमाइका तो ऊपर से आपको बिल्कुल ठीक लगेगी, लेकिन दीमक अपना काम अंदर ही अंदर करती है, और जब बिल्कुल डैमेज कर देती है किसी भी चीज़ को तब वो थोड़ी सी बाहर नज़र आती है, तब हम चौंकते रहे ये क्या हो गया, लेकिन तब तक पूरा का पूरा आपकी अलमीरा हो या कोई भी कबर्ड हो उसको ख़राब कर चुकी होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको जब भी अपने घर में टर्माइट नज़र आए एक बार में ही आप उसका ट्रीटमेंट तुरंत करा लें, वेट ना करें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम शुरू हुई है वो किचन से स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले हम सब जगह पर होल करेंगे, और होल करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि होल प्रॉपर जो है, जहाँ जहाँ टर्माइट है उन जगहों पर तो होने ही होने हैं, और जहाँ जहाँ घर में लकड़ी लगी हुई है वो सारा एरिया, बाथरूम का एरिया, किचन की सारी दीवारें, जिन दीवारों पर अलमीरा बनी हुई है सारी की सारी दीवारें हमें लेनी पड़ेंगी, प्रॉपर होल करने पड़ेंगे चौखट विंडो के आसपास की। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जो हमें करना है, चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, होल करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं बोस की हैमर ड्रिल मशीन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और फास्ट होल करती है। और जो हम बिट यूज़ कर रहे हैं वो 210 mm लंबी और 10 mm मोटी है। इससे लंबे और गहरे होल होंगे और थोड़े मोटे होल होंगे, जिससे केमिकल अच्छे से अंदर तक चला जाए और एक अच्छा बैरियर तैयार करे। गहरे होल होने से केमिकल अंदर तक अच्छे से जाता है और ज़्यादा लंबे समय तक उसका असर नज़र आता है, मिनिमम 4-5 साल तक उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, अगर दीवारों में कहीं भी सीलन की समस्या ना आए तो। यानी 4-5 साल तक आपके घर में दीमक की प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा दोस्तों, एक बात और बता दूं, होल करते टाइम इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि होल हमेशा 45 डिग्री के एंगल से करें, जिससे कि केमिकल डालते समय केमिकल बाहर निकल के ना आए, अंदर ही जाए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दीवारों में होल करते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि होल हमेशा टाइल की स्कर्टिंग के ऊपर करें, ना कि डायरेक्ट टाइल के अंदर। अगर डायरेक्ट टाइल में होल करेंगे तो टाइल चटकने का खतरा रहता है, टूटने का खतरा रहता है, और जब आप उसको होल कर देते हैं तो वो वाइट सीमेंट में अलग ही नज़र आते हैं, जब आप उस पर वाइट सीमेंट लगाते हैं। इसलिए हमेशा होल दीवारों में जब भी करें टाइल की स्कर्टिंग के ऊपर करें, उससे क्या होगा कि केमिकल भी अंदर अच्छे से जाएगा, और जब उस पर वाइट सीमेंट लगा देंगे तो वो मैच कर जाएगा कलर से, और अलग सा नहीं लगेगा जैसे आपने अलग से होल कर दिए हैं। ऐसे ही जब आप चौखट विंडो में होल करें तो डायरेक्ट किसी भी लकड़ी के अंदर होल ना करें, दीवार
और चौखट विंडो के जो जॉइंट्स बनते हैं उन जगहों पर होल करने हैं और 45 डिग्री के एंगल से करने हैं। बस इन बातों का ध्यान आपको होल करते टाइम जरूर देना है। ये देखिए दोस्तों क्या हालत करी है बेड के सिरहाने की, टर्माइट ने पूरी तरह से डैमेज कर दिया है और ये अलमीरा भी अंदर से डैमेज है। फिलहाल तो होल कर देते हैं इसके अंदर भी। दोस्तों दीवारों में होल करते टाइम इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि दो होल के बीच में 1.25 फीट से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, जिससे ही केमिकल डालते समय एक अच्छा बैरियर तैयार हो। और ऐसे ही चौखट विंडो के पास भी होल करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फीट का ही गैप रखें और अच्छे से केमिकल जाएगा तो अच्छा बैरियर तैयार होगा। बस इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों हमने सभी जगहों पर होल कर दिए हैं, जितना भी लकड़ी का एरिया था वो सारा कवर कर लिया है, साथ में दीवारें भी ले ली हैं, जैसे बाथरूम और किचन की दीवारें ये सब हमने अच्छे से ले ली हैं, प्रॉपर हमने होल कर दिए हैं। अब हम इन सभी जगहों पर हम केमिकल डालेंगे अच्छी तरीके से। 300, 350, 400 ml तक सोल्यूशन जाना चाहिए सभी होल्स के अंदर, बहुत ज़रूरी है जिससे कि ये प्रॉपर तरीके से काम करे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अब केमिकल डालना। दोस्तों यहाँ पर हम बायर कंपनी का प्रीमाइज पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर इमिडा क्लोप्रिड होता है 30.5% SC। अगर आपको ये पेस्टिसाइड मिल जाए तो आप ये यूज़ कर लें, और अगर ये ना मिले तो FMC कंपनी का पैक्सटोन भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड है। दोनों के अंदर सेम ही केमिकल होता है इमिडा क्लोप्रिड, और अगर आपको ये भी ना मिले तो आप बायर कंपनी का अजेंडा भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त पेस्टिसाइड है। दोस्तों ये सभी पेस्टिसाइड नॉन रिपेलेंट पेस्टिसाइड होते हैं, जो कि डोमिनो इफेक्ट पे काम करते हैं। ये दीमक को ख़त्म करने में 10 से 15 दिन का टाइम लेते हैं, लेकिन दीमक की कॉलोनी को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। ये पेस्टिसाइड पहले एक टर्माइट से दूसरी टर्माइट, दूसरी टर्माइट से तीसरी टर्माइट, इस तरह करके ट्रांसफ़र होते हैं, और ट्रांसफ़र होने के बाद में टर्माइट के नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं और फिर पूरी कॉलोनी को 15 दिन के अंदर जड़ से ख़त्म कर देते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पेस्टिसाइड होते हैं और टोटली नॉन स्मेल भी होते हैं, इनके अंदर कोई ऑडर भी नहीं होती है। दोस्तों इन सभी पेस्टिसाइड की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप इनके करंट रेट चेक कर सकते हैं और जो आपको पसंद हो वो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से हर बार पूछा जाता है कि हमें ख़रीदने कहाँ से हैं। देखिए दोस्तों ये आपको ओपन मार्केट में नहीं मिलेंगे, या तो आपको ये अमेजोन से जाकर मिलेंगे जिनका लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है, या फिर आपको ये पेस्टिसाइड की शॉप पर जाकर मिलेंगे। इन पेस्टिसाइड के अलावा कोई और पेस्टिसाइड आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो दूसरे पेस्टिसाइड होते हैं वो रिपेलेंट पेस्टिसाइड होते हैं और उनके अंदर स्मेल भी बहुत ही भयंकर आती है। आप ये समझ लो कि 5-6 दिन तो अपने घर में रह ही नहीं पाओगे, इतनी ख़तरनाक स्मेल आती है, और आँखों में और स्किन पर भी बहुत ज़्यादा जलन होती है, और वो टोटली यूजलेस पेस्टिसाइड होते हैं। अगर आप उनका यूज़ करते हैं घर के अंदर तो वो दीमक को ऑन द स्पॉट तो मार देते हैं, लेकिन दीमक की कॉलोनी को ख़त्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से 2-3 महीने के बाद दोबारा आपके घर में दीमक आ जाती है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ वो कौन से रिपेलेंट पेस्टिसाइड हैं जो आपको अपने घर में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए। एक तो है क्लोरोपाइरीफॉस 20% EC या 50% EC में भी आपको मिल जाएगा। मार्केट में आपको लीथल, एल्ड्रिन, पायलेट जैसे नामों से आपको मिल जाएगा, इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये रिपेलेंट पेस्टिसाइड है। इसके अलावा दूसरा है बाइफेंथ्रिन, जो कि मार्केट में आपको बाइफ्लेक्स के नाम से मिल जाएगा, ये भी रिपेलेंट पेस्टिसाइड होता है, इसका असर भी यही 2-3 महीने में ख़त्म हो जाता है। और इनके अलावा एक टर्मिनेटर के नाम से भी आता है, वो भी रिपेलेंट पेस्टिसाइड है। तो दोस्तों इस तरह के रिपेलेंट पेस्टिसाइड से आपको बचना है जो कि दीमक को ऑन द स्पॉट मार देते हैं। दोस्तों होल्स के अंदर पेस्टिसाइड सॉल्यूशन डालते टाइम इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि सभी होल्स के अंदर 300-400 ml सॉल्यूशन जाना चाहिए। अगर किसी होल के अंदर सॉल्यूशन ना जाए तो उसमें धीरे धीरे करके 3-4 राउंड ले लेने चाहिए। दोस्तों हमने सभी होल्स के अंदर पेस्टिसाइड डाल दिया है, इस तरीके से हमारा सेकेंड स्टेप कम्प्लीट हो गया है। फाइनली हमारा टर्माइट ट्रीटमेंट कम्प्लीट हो गया है। अब हम सभी होल्स को वाइट सीमेंट की हेल्प से भरेंगे और वाइट सीमेंट को भी हम पेस्टिसाइड के अंदर मिक्स करके रेडी करेंगे और फिर इसको भरेंगे। चलिए वो स्टेप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों पहले हम वाइट सीमेंट की इस तरीके से बत्ती बनाएंगे और फिर उसको हम होल के अंदर
एक डेढ़ इंच अंदर तक डालेंगे और उसको वहीं पर ही प्रेस कर देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि वाइट सीमेंट बाहर निकल के नहीं आएगा और वो अपनी पकड़ अच्छे से बना लेगा अंदर। बस इस तरीके से बत्ती बनानी है और होल के अंदर डाल के उसको वहीं प्रेस कर देना है। तो ये तरीका है वाइट सीमेंट लगाने का, और इस तरीके से हम सारे के सारे होल भर देंगे। होल भरते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा फिनिशिंग के साथ आपको वाइट सीमेंट लगाना है, जिससे कि ये दो तीन घंटे बाद जब सूख जाए और उस पर आप कपड़ा मारें तो वो बिल्कुल प्लेन नज़र आए। तो अगर आप इस तरीके से वाइट सीमेंट लगाएंगे तो वो एक तो अच्छे से पकड़ बना के रखेगा दीवार के साथ और कभी छूटेगा नहीं, और वो आपको मैच भी कर जाएगा आपकी दीवारों के साथ में। तो दूर से देखने पर ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे कभी पहले कभी होल हुआ था। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको सभी दीवारों पे और लकड़ी के आसपास चौखट विंडो के आसपास वाइट सीमेंट लगा देना है। इस तरीके से हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, हमने सभी जगहों पर वाइट सीमेंट लगा दिया है और दो तीन घंटे बाद ये वाइट सीमेंट सूख जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर कपड़ा मार के अपने घर को क्लीन कर सकते हैं और यहाँ पर रहना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तरीका है टर्माइट ट्रीटमेंट करने का। अगर आप इस तरीके से अपने घर का टर्माइट ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपको 4-5 साल दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी टर्माइट ट्रीटमेंट कराने की। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, दीवारों में कहीं भी डैम्पनेस यानी सीलन ना आए, क्योंकि सीलन से केमिकल ख़राब हो जाता है और उसका बहुत जल्दी असर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये तरीका है टर्माइट ट्रीटमेंट करने का। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। देखिए, ट्रीटमेंट करने का तरीका यह है, और ये वीडियो मैं आपको इसलिए बनाई आप लोगों के लिए कि आप इस प्रोसेस को समझ सके, जिससे कि आपके साथ कोई चीट ना कर पाए। लेकिन सलाह मेरी यही है कि ट्रीटमेंट आप खुद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप ट्रेंड नहीं है इस काम में। हो सकता है कि आप ठीक से कर ना पाएँ और आपके यहाँ टर्माइट की प्रॉब्लम आ जाए। तो बेटर है आप किसी प्रोफेशनल से कराएं, जिससे कि वो एक बार में अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करें। आप मान लो खुद कर रहे हैं, इस चक्कर में आपका 3-4 हज़ार रुपये का केमिकल और दूसरी चीज़ें ख़राब हो जाएं, क्या फ़ायदा, आपका नुकसान हो जाएगा। और अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे केमिकल के लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर उनके करंट रेट चेक कर सकते हैं और आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर ये ट्रीटमेंट आप हमसे कराना चाहते हैं तो वीडियो के आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर अपना नंबर छोड़ा हुआ है, आप इस पर कॉल करके हमारी टीम को बुला सकते हैं, जो आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेगी। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।